तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज मैंने आपसे वेबसाइट के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करनी है। आज का जो पार्ट है इसके अंदर मजे की स्ट्रेटजी है, बाकी एक दो स्ट्रेटजी की बात हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने मुझे एनालाइज किया तो मुझे एंट्री मिल गई, क्योंकि यहाँ पे बाइंग खत्म हो चुकी थी और सेलिंग आ चुकी थी, ठीक है, और अब कंटिन्यू सेलिंग ही डाउन जानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे $50 की 3 एंट्रियाँ ले ली हैं। अच्छा दोस्तों, आज आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने बातें करनी हैं, क्योंकि यार ना मैं एक चीज़ें बतानी थी कुछ वेबसाइट के बारे में भी और कुछ नई स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि कुछ नया हम ट्राई करने वाले हैं, तो इसकी टेंशन ना लो, ये फाइनली प्रॉफिट होगी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी इतनी भी नॉर्मल नहीं है। कैसे यहाँ से आम सी आए कैंडल और लॉस दे जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अच्छा जी, ये दोस्तों वो बात ये थी वेबसाइट की, यार मैं वेबसाइट को लॉन्च करना चाह रहा हूँ लेकिन ना बनाने में बड़ा मसला आ रहा है और वेबसाइट अप्रूवल नहीं मिल रही हमें, बहुत से इशू आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैंने आप लोगों से ये इजाजत लेनी है कि वेबसाइट को छोड़ के हम वही जो हमने कैंडल पैटर्न्स के ऊपर वीडियोस बनानी है वेबसाइट के अंदर, वही यूट्यूब पे डाल दें। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए यूट्यूब पे हम वो कंटेंट डाल दें कि क्या करें, क्योंकि वेबसाइट में बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो बाकी आप मेरी फैमिली हो, आप जो बोलोगे वही करेंगे। बाकी इंशाल्लाह 7-8 दिन तक मैं YouTube पे लाइव आऊंगा, जिससे आके मैं आप लोगों के लाइव कमेंट्स के जवाब दूंगा, ठीक है। लाइव का भी बारे में कमेंट करो, सिर्फ लाइव आके आप लोगों के जवाब दूंगा, ठीक है। और बाकी ये है कि आप सब फैमिली की तरह हम बैठ के लाइव बातें करेंगे, ठीक है। और बाकी मुझे बता दो कि यार वेबसाइट को छोड़ के हम यूट्यूब पे ही कंटेंट अपलोड कर ले, बाकी आप लोग जो बोलोगे इंशाल्लाह वो करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। ये जो एंट्री मैंने लेता हूँ, ये इन एंट्रियों को मकसद ये है कि भाई आप लोगों ने इन एंट्रियों को डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। जब डेमो पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेहतरीन एनालाइजिंग मिलेगी और ये फाइनली हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, हालांकि इसका भाई एंड में 3-4 सेकंड में पहुंच गई थी। अच्छा जी, अब जो मैं आज आपको एक चीज़ बताने लगा ना मार्केट के अंदर, ये भी आप लोगों के लिए सीखना मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे दूसरी मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पोर्ट बनाएंगे, एक ये रहा एक हमारा स्पोर्ट, ठीक है। हाँ यहाँ पे परफेक्ट बार रहा है, ओके, ये यहाँ पे हमारा रहा, ठीक है। अभी भाई तो थोड़ा सा नीचे आ जाना यार यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए डाउन डायरेक्शन के लिए मैं जाने वाला हूँ। वो 50 से कम कर लो भाई साहब, ये लो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने एंट्री क्यों ली है, सिंपल सी मैंने एंट्री ली है। देखो यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैं लेना 1 मिनट की चाह रहा था, लेकिन 2 मिनट के लिए इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जब इस स्पोर्ट को इस बड़ी सी कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया डाउन के लिए, तो इसका मतलब भाई बाइंग है, ठीक है। आप 2 मिनट के लिए इसलिए लिया क्योंकि मुझे लग रहा शायद हो सकता था कि एक रेड कैंडल बना के फिर ग्रीन के, एक ग्रीन कैंडल बना के फिर रेड के लिए आती, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई पर 2 मिनट के लिए ली जाए, और ये 2 मिनट का हमारा डिसीजन भी ओके था और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में जा रही है। ये सिंपल सी नॉलेज है भाईजान, इस स्पोर्ट को इस बड़ी सी कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है, स्पोर्ट को तोड़ के आ गई है। बट हमें, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपने यहाँ पे एंट्री लेनी, आपने रीटेस्ट का वेट करना, अगर ये ऊपर जाके रीटेस्ट करती है, ठीक है, तो आपने एंट्री ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए एंट्री लिया क्योंकि काफ़ी बड़ी सी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। और अक्सर लोग, एक चीज़ और बता दूँ, ये एक गलती मत करना कि एक बड़ी सी कैंडल ब्रेक डाउन दे रही है तो उसमें क्या होता है, अक्सर एक कैंडल ऊपर जाके नीचे आ जाती है। अब मैंने ये एंट्री भला क्यों ली है, आपको पता है, ये देखो, अगर तो यहाँ पे ऊपर जानी होती ना तो ये जो कैंडलें नहीं बनी, ये वाली, ये 3 कैंडलें जो बनी है, अगर ये ना बनती तो 100% यहाँ से कैंडल ने ग्रीन बनानी थी फिर रेड आना था, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जितनी बाइंग थी ना यहाँ पे वो आई है, ठीक है, रीटेस्ट के ऊपर की वापस ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, उसके बाद सेलिंग एक्टिवेट हो चुकी थी डाउन डायरेक्शन के लिए, इसलिए ये मैंने $150 डाउन डायरेक्शन के लिए ले ली है, ठीक है। ओके जी, इसका टाइम देख सकते हो आप दोस्तों साथ, ये 1, 2, ये 3, ठीक है, अभी हमारा टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये फाइनली हमारी प्रॉफिट है यार। इतनी एनालाइज जो है ना हमारी कमज़ोर नहीं होती, और ये आप लोगों को पता है यार, अच्छी तरीके से पता है हमारी ऑडियंस, और आपको ना पता हो ये हो सकता है। अबे भाई, आपको ही तो पता होगा और किसको पता होना है। बाकी यार लव यू, सच में लव यू यार, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत ही प्यार है, और फाइनली ये हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ओके जी, अरे यार पीछे देखो, मैंने ना नीचे बड़ी बड़ी लिखी हुई थी, ये बड़ी बड़ी, आज आपके भाई की ना मार्केट आपके अपने मुताबिक चल रही थी और मैंने भाई ले ली। अच्छा जी, हम यहाँ पे 10 लेते हैं, ठीक है,
ओके जी, यहाँ पे हम 10 को करेंगे, ठीक है, और 20 हो गया भाई साहब। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मुझे एंट्री अभी नहीं लेनी। अच्छा यहाँ पे एक और मैं सॉफ्टवेयर, ये रहा, ठीक है। अच्छा दोस्तों मुझे बताओ यार, आप लोग वेबसाइट के बारे में, यार देखो मैं ना कोई 6 5 6 दिन के अंदर ना लाइव भी आऊँगा, लाइव भी आके आपसे बातें करूँगा, जो जो आप कमेंट भरोगे लाइव, सबका नाम लेके उनके कमेंट्स के जवाब दूंगा, ठीक है, और सबसे लाइव बातें करूँगा, ठीक है। बाकी आज आप लोग कमेंट में वेबसाइट के बारे में बता दो यार, ताकि मुझे पता चले यार मेरी ऑडियंस क्या कह रही है, क्योंकि मुझे लगता है यार तुम लोग मेरी फैमिली हो, और फैमिली के साथ मेरा जितने भी डिसीजन होंगे ना वो अच्छे ही होंगे, ठीक है। जो भी मेरी फैमिली मुझे बोलेगी, मेरी यूट्यूब की ऑडियंस मुझे बोलेगी, अली भाई वही करेगा, क्योंकि आपकी बात नहीं माननी तो मैंने किसकी माननी है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे इस स्कैंडल के बाद हम एंट्री लेने की सोचेंगे। अगर तो ये क्लोजिंग इसके ऊपर देगी, ये जो हमने जो लाइन स्पोर्ट मार्क किया हुआ है, तो हम अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अगर इसके नीचे देगी तो इसका मतलब कि हम वेट करेंगे या डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे, ठीक है जी। देखते हैं, बॉडी इस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, इसकी जो बॉडी है ना इस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो हम अप डायरेक्शन के लिए एंट्री लेंगे, क्लियर। बाकी यार आप लोग अभी से भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाकी लव यू यार, लव यू टू भी बोला करो यार कमेंट में, प्लीज बोल दिया करो यार, क्यों नहीं आप लोग बोलते यार, बोला करो। अच्छा जी भाई साहब, ओके जी, डाउन डायरेक्शन के लिए वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हालांकि मुझे ऊपर लेनी चाहिए, ओ यार ऊपर लेनी चाहिए, $10 की, और एक यहाँ पे $10 की। डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने 2 एंट्रियाँ ले ली हैं, ये इसीलिए ली हैं हालांकि, क्योंकि मुझे ये जो इस कैंडल ने पहले ग्रीन बनाई है फिर रेड बनाई है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इसने ये जो ब्रेक डाउन दिया है ना, तो इसको ये एक इसके इर्द गिर्द यहाँ पे रेड कैंडल के लिए क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। अक्सर क्या होता है, एक कैंडल बनती है हमारे लिए ग्रीन, उसके बाद एक रेड बनती है, बट यहाँ पे अगर मेरी एनालाइज के मुताबिक देखा जाए तो मार्केट कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन के लिए आ रही है, सपोर्ट को रीटेस्ट करती है और वापस एक कैंडल ग्रीन के लिए बनाती है, दूसरी रेड के लिए बनाती है और ब्रेक डाउन देती है और मार्केट गिर जाती है। सिंपल सी अगर चीज़ बताऊँ तो मार्केट बताना चाह रही है कि भाई मेरे पास 1 2 बायर हैं और 10 से 12 सेलिंग है, मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि बाइंग कम है सेलिंग ज़्यादा है मार्केट के पास, तो इस वजह से आज मार्केट मेरे मुताबिक चल रही है, और जिस दिन मेरे मुताबिक चलते तो उस दिन भाई फिर दिन ही अपना होता है। अच्छा ये प्रॉफिट हो गया, ये देख सकते हैं, ठीक है, एक प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ कि मार्केट के अंदर अगर तो आप बिगनर हो, एक नए बंदे हो, मार्केट को एनालाइज करना आते हो, ठीक है, और अक्सर लोग ना $10 से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं यार, हम $10, क्योंकि कोई कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार नहीं पहले $10 से ट्रेड करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट होगा तो हम बड़ी ट्रेड करेंगे। अब मान लो जी एक बंदे ने $10 डिपॉजिट कर लिए, ठीक है, आज वो बंदा इस $10 को भला कितनी देर में खाता है, 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर लॉस करके बैठ जाएगा, या तो उसने 5 5 सेकंड में तुक्के लगाने हैं, अगर तुक्के कामयाब हो गए तो उसका लालच बढ़ जाएगा, अब वो लॉस भी हो जाएगा, फिर वो और पैसा डाल के मार्केट में प्रॉफिट करने आएगा। तो एक बात याद रखना, आपने $10 को 1 हफ्ते के लिए चलाना है। अब आप बोलोगे अली भाई कैसे 1 हफ्ते के लिए चलाएं यार, मैं बताता हूँ, देखो ये $10 से आपने नए बंदे हो, आपने $10 डिपॉजिट किए, अब आपने इस $10 को 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन तक चलाना है, 7 दिन तक चलाना है, अब आपने इसके अंदर $1 लॉस रख लेना है, ठीक है, और $2 प्रॉफिट रख लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मार्केट में एंट्री लेनी है $1 $2 की, ठीक है, $1 लॉस हो गया तो मार्केट से एग्जिट, चाहे पहले $2 प्रॉफिट हो गया तब भी मार्केट से एग्जिट। 7 दिन के लिए आप ये काम करोगे, जब ये काम 7 दिन के लिए कर लोगे आपके अंदर लालच खत्म हो जाएगा, और 7 दिन के अंदर मुझे इतना पता है कि भाई आप $10 को $20 बना सकते हो, तो सोच लो कि 7 दिन के अंदर आप 1 3000 4000 बना रहे हो, ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कोई ये नहीं है कि यार अक्सर लोग कहते हैं जी हम 1 दिन में अमीर बन जाए, 1 दिन में करोड़पति बन जाए, तो ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बातें भी बातें होगी, अब यहाँ पे एक एंट्री डाउन डायरेक्शन के लिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं फिर ले रहा हूँ, एक और ये दो।
हालांकि मैं चाह रहा था एक यहाँ पे हो जाता ना रीटेस्ट, फिर मुझे एंट्री लेनी चाहिए थी, बस मैंने सोचा वीडियो लंबी ना हो पहले ले लूँ। बाकी देखते हैं, 2 मिनट के लिए इसलिए लिया है कि अगर इसको ये रीटेस्ट करने जाती है तो इसको रीटेस्ट करके वापस डाउन डायरेक्शन के लिए आ जाए। ये सिंपल सी आपके भाई की स्ट्रेटजी है। और ये जो बिगनर वाली चीज़ बताइए ना प्लीज़ यार, इसको लाजमी फॉलो करो। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं अली भाई हमने इतना लॉस कर दिया, अली भाई हमने इतना लॉस कर दिया। देखो यार, तुम लॉस करोगे मुझे दुख होगा, तकलीफ़ होगी, क्योंकि जब भी बंदा एक बंदे को अपनी फैमिली समझता है ना कि यार वो बंदा मेरी फैमिली है, तो उसका मतलब कि उसको उसका एहसास है। मैं वो यूट्यूबर नहीं बनना चाहता, मैं वो यूट्यूबर बनना चाहता हूँ जिससे आप लोगों का एहसास हो। यूट्यूबर तो आपने बड़े देखे होंगे जो बस सब्सक्राइबर व्यूअर आ गए, उनको वो माइंड ही बदल गया, बट मैं बदलना नहीं चाहता। मैं वही ज़मीन पर बैठने वाला इंसान रहना चाहता हूँ और तुम लोगों के अंदर घुल मिल के रहना चाहता हूँ। और तुम लोग मुझे अपने कमेंट में प्यार देते हो तो सच में यार दिल की गहराइयों से पूछो कि आपका अली भाई कितना खुश था तुम लोगों से, और फिर दिल से दुआ लगती है और दिल से दुआ निकलती है कि यार अगर मैं कमा रहा हूँ तो मेरी ऑडियंस भी या अल्लाह कमाए। और बाकी आप लोग आमीन रखो और अच्छा सा कमेंट भी करो, अच्छे कमेंट करोगे तो आपका अली भाई खुश होगा ना यार, समझा करो। ये चीज़ें कब समझोगे यार। अच्छा जी, और कभी कभी ना आपका मार्केट में दिन ना ना हो तो उस दिन मार्केट किसे ना लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन मेरी जान करो तो मार्केट से एग्जिट हो जाया करो, ठीक है। आज देख लो यार कहाँ से ये मार्केट का डाउन ट्रेंड हुआ है, आपको पता है इन्हीं यहाँ से, आज यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रही थी और यहीं से मैंने सारी प्रॉफिट की है। पीछे मैं पहले भी वीडियो बनाने से पहले भी प्रॉफिट करता रहा और यहाँ से मार्केट गिरती गई है और मैं यहाँ पर ट्रेडें लेता आ गया हूँ। और यहाँ पे और ये देखो, ये सिंपल सी मैं अपनी एनालाइजिंग करके आराम से भाई चिल से निकल जाता हूँ। और मेरी जान के टूटो, आपने भी ऐसे करना। और फाइनली फाइनली प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों, ये हमारी एंट्री प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। बाकी अब आपने नेक्स्ट पार्ट के लिए भी ठीक है कमेंट्स करना है, ठीक है। और वेबसाइट के बारे में यार, अब यूट्यूब पर कंटेंट लाने वाला हूँ वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, मुझे जो आप लोग बोलोगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यार यूट्यूब के ऊपर ही वीडियोस बनाए, वेबसाइट को फारग कर दिया जाए ताकि यार वो पेड भी ख़त्म हो जाए, यहाँ पे लोग फ्री सीख लेंगे, ठीक है। बाकी आप अभी से लाइक करो और अपनी मोहब्बत भरा कमेंट बता दो। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।